अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम V2 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इमशावान। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर, जो कि मेरी भी कॉलेज है। यहां पे मैं मौजूद हूं जहां पे पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने एक अवेयरनेस कम्पेन का आगाज़ किया है कि कैसे जो है उनकी ऐप वुमेन सेफ्टी ऐप कैसे लड़कियों को, कैसे बच्चियों को और हर वो खातून, चाहे वो घरेलू है या वो वर्किंग लेडी है, कैसे उन्हें ज़्यादा सिक्योर हरासमेंट फ्री इन्वायरमेंट मुहैया करिए, कैसे आपने डाउनलोड करनी है, कैसे इंस्टॉल करनी है और सारे क्वेश्चन एंड आंसर जो है आपकी क्यूरीज को जो भी यहाँ पे पूछा जाएगा उन्हें एड्रेस करेंगे। तो आइए मेरे साथ इकट्ठे चलते हैं और इस सेशन को ज्वाइन करते हैं। जी जनाब, अब हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की। आइए हम उनसे जानते हैं कि जो पंजाब सेफ सिटी ने इनिशिएटिव लिया है वुमेन को सेफ करने के लिए, उन्हें हरासमेंट फ्री इन्वायरमेंट करने के लिए और हर एक जगह पे वो खुद को सिक्योर फील करें, उनके वो क्या कहेंगी इस बारे में कि क्या इनिशिएटिव था और ये लेना चाहिए और ये किस हद तक जो है वो मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, जो सेफ सिटी ने इनिशिएटिव लिया है वुमेन को एम्पावर करने के लिए, उन्हें सिक्योर फील करवाने के लिए और उन्हें एक हरासमेंट फ्री इन्वायरमेंट देने के लिए, क्या कहेंगी इस बारे में आप? जी, मेरा ख्याल ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी, और आज बड़ा अच्छा सेशन रहा, इन्होंने हमें बताया और आई एम श्योर के हार्डली शायद हमारे ऑडियंस में से किसी को पहले पता था इस बारे में, सो अवेयरनेस कैंपेन वॉज वेरी इफेक्टिव और ख़ास तौर पे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी अपने कुछ बड़े प्रैक्टिकल कंसर्न्स शेयर किए जिससे यकीनन इस ऐप को बेहतर करने में भी फ़ायदा हासिल होगा। तो ख़वातीन को सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना तो ज़ाहिर है हर सोसाइटी का फ़र्ज है और उस पर मैं समझती हूँ कि ये ऐप और ये अवेयरनेस कैंपेन जो है वो बहुत अच्छा इकदाम है। जब खुद को बाहर वो इनसिक्योर फील करती हैं, क्या सजेशन देंगी आप इसके कि हम अपनी एप्लीकेशन को ज़्यादा बेहतर बना सकें ताकि जो बच्चियां हैं स्कूल जाने वाली या कॉलेज जाने वाली, यूनिवर्सिटी गोइंग है या फिर वो जॉब कर रही हैं, वो खुद को ज़्यादा सिक्योर फील करें? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हमारे ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे प्रैक्टिकल सजेशंस और कंसर्न्स अपने शो किए हैं जिससे इसको बेहतर करने में हेल्प मिलेगी। मसलन यहाँ ये जाहिर है ऐप वहीं पे इस्तेमाल की जा सकती है जहाँ पे इंटरनेट हो, तो कोई ऐसा तरीका कि जहाँ पर इंटरनेट ना भी हो वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सके, या मोबाइल की लोकेशन एज सच वैसे भी मिल जाए। और उसके अलावा फिर ये है कि जहाँ पर जब ये ऐप यूज़ होती है तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स है, जो हेल्प पहुँचे वो कितना इमीडिएटली पहुँचती है, तो इस किस्म के कंसर्न्स थे जो लोगों ने यहाँ पे ख़वातीन ने शेयर किए हैं और मुझे यकीन है कि इससे इस ऐप को बहुत बेहतर करने में फ़ायदा होगा। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं MPA उस्मा कारदार, ये उनसे जानते हैं कि पंजाब सेफ सिटी का जो ये इनिशिएटिव है वो कितना इफेक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप कानून साज़ असम्बलियों में बैठते हैं, कानून पास करते हैं और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होती है कि जो वुमेन है उसे सिक्योर और प्रोटेक्शन आप इन्वायरमेंट दें और सिक्योरिटी दें। आप क्या समझते हैं कि पंजाब पुलिस ने जो एक इनिशिएटिव लिया है टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द वुमेन इन आवर सोसाइटी, किस हद तक इफेक्टिव है? दिस वॉज़ अ वेरी पॉजिटिव इनिशिएटिव, लेकिन एज एन MPA इन पंजाब असम्बली मैंने एक रेजोल्यूशन वहाँ पर सबमिट की थी कि जो वुमेन प्रोटेक्शन ऐप है इसको, इसकी एक अवेयरनेस कैम्पेन जो है वो पूरे पंजाब के यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, पब्लिक एंड प्राइवेट और दफातर में शुरू करवाई जाए ताकि इससे अवेयरनेस हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमारे इनिशिएटिव्स हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता और ग्राउंड लेवल पे उनसे फ़ायदा इसलिए नहीं वो उठा सकते क्योंकि एक चीज़ जो है उसकी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा एज़ाज़ दिया कि ये करारदार जो थी इसको पंजाब हायर कमीशन डिपार्टमेंट के पास भेजा गया,
उन्होंने फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसका लेटर पूरे पंजाब के जो पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उधर भेजा है एंड वी हैव स्टार्टेड दिस ट्रेनिंग वर्कशॉप्स. मैं खुद अपनी सुपरविजन में ये करवा रही हूँ. आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली हमारी ये ट्रेनिंग वर्कशॉप थी जिसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट की पूरी टीम हमारे साथ आई हुई थी. इनकी वाइस चांसलर थी. चूँकि स्टूडेंट्स इस वक्त यूनिवर्सिटी में नहीं हैं अटेंड कर रहे तो आज इनका पूरा स्टाफ था जो कि 600 इनके स्टाफ मेंबर्स हैं. सो ये फिर आगे अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें ये सारी कम्युनिकेशन कुछ ये आज लीफलेट्स ब्रोशर्स भी साथ लेके आए थे वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ तक जाएगी. एंड देन दे आस्क्ड मेनी पर्टिनेंट क्वेश्चंस जो कि इनके दिमाग में थे जिससे आप ये ऐप बेहतर भी कर सकते हैं. एक जो पॉइंट आउट अभी वीसी ने किया कि जो रेड एरियाज़ आपने मार्क किए हैं कि ये नो गो एरियाज़ हैं ये सेफ नहीं है क्योंकि इनकी शिकायत आती है तो इनको आप नो गो ना करें इनको मोर गो करें. क्योंकि जब आपको आइडेंटिफाई हो गया है कि ये जगह जो है यहाँ पे हरासमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं तो वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दें वहाँ पे उसको मैन करें उसको मॉनिटर करें ताकि वो आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स और मंथ्स वो ख्वातीन के लिए ज़्यादा सेफ हो जाए जगह और वो बड़े आराम से फिर वहाँ पे भी जा सकें. और रिस्पांस टाइम आपका बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल में इसको पूरे पंजाब में जो है इसकी नेटवर्किंग जो आप लोगों ने डेवलप की है वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन पहुँचानी बहुत ज़रूरी है. इंशाल्लाह ताला हमारी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो विजन है और चीफ मिनिस्टर की वो यही है कि सेफ हमने पब्लिक प्लेसेस देनी है अपनी ख्वातीन अपनी बच्चियों के लिए ताकि वो सुकून से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने पढ़ाई के लिए अपनी जॉब्स के लिए पब्लिक प्लेसेस में जा सके. थैंक यू सो मच मैम. अच्छा मैम क्या एक तो ये है पंजाब पुलिस ने इनिशिएटिव ले लिया वुमेन को ज़्यादा सिक्योर कर दिया. आप एज अ लेडी जो एज अ मतलब खातून होकर ज़्यादा जो है ग्राउंड लेवल तक उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकती हैं या कर सकती हैं वुमेन को एम्पावर करने के लिए पंजाब हुकूमत ने और क्या इनिशिएटिव लिए हैं या आप क्या कहना चाहेंगी जिन खवातीन को नहीं पता कि उनके पास ये राइट्स भी हैं या ये फॉरम भी है यहाँ पर वो आ सकती हैं क्या अवेयरनेस देना चाहेंगी. आई एम ऑल्सो चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी फॉर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग और हमारे अनफॉर्चुनेटली बहुत मार्जिनलाइज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है हमारी जो ख्वातीन और बच्चियाँ हैं. तो सबसे पहले हमने जो मैं एज ए लेजिस्लेटर जो मैंने 2-3 बिल्स जमा कराए जिसके लिए हम बहुत ब्लॉबिंग कर रहे हैं. एक कम उम्र की शादी वो हर हालत में हमने उसको जो है ठीक करना है क्योंकि हमारी हर दूसरी बच्ची सेकेंडरी स्कूल में बाहर बैठी हुई है वो उसकी शादी कर दी जाती है और उसके तमाम ख्वाब चिकनाचूर कर दिए जाते हैं. फिर डोमेस्टिक वर्कर्स बिल हम लेके आए हैं उसमें जो ये छोटी छोटी बच्चियों को बड़ा जुल्म होता है कि उनको घरों में आप एक जाके उनको आप काम पे लगा देते हैं जबकि उनकी जगह स्कूल में होती हैं तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम बिल लेके आए हैं. 16 साल से कम आप रख नहीं सकते हैं घरों में उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब हमने बेहतर बनानी है. और अब हम ख्वातीन को एम्पावर करने के लिए कोविड में जो ख्वातीन पे और स्ट्रेस हो गया था डबल उनका काम हो गया था बहुत होम बेस्ड वर्कर्स थी तो 1.25 करोड़ के करीब होम बेस्ड वर्कर्स हैं. अब उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हम एहसास प्रोग्राम के थ्रू और उनकी लेजिस्लेशन जो है वो कैबिनेट ने इम्प्रूव कर दिया उसको भी ला के उनको सोशल प्रोटेक्शन नेटवर्क में ला रहे हैं ताकि वो जो भी घर में काम करती हैं मेहनत करती हैं उनको एक तो वो अपनी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में शामिल हों और उनकी वजह से उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो और मुल्क आगे प्रोग्रेस करे तो बहुत सारा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू जी. नाज़रीन अब हमारे साथ डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स मैम बुशरा नदीम साहिबा मौजूद हैं ये उनसे जानते हैं कि वो पंजाब सिटी के इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. मैम आपने सारी ब्रीफिंग दी आपने कोऑर्डिनेशन की कैसे देखती हैं क्या रोल है इस एप्लीकेशन की ज़रूरत भी थी और किस तरह जो है वुमेन जो है इसको यूज़ करके ज़्यादा प्रोटेक्टिव और सिक्योर फील करें. देखिए ये जो आज का इवेंट है ये मेरे डायरेक्टरेट ने सारा कोऑर्डिनेट किया उज़मा कारदार के साथ सेफ सिटी के साथ और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ इस इनिशिएटिव के ऊपर. ये था मोस्ट वांटेड इनिशिएटिव जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. आपको पता है जितनी भी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं और हमारी सोसाइटी तो एक मॉडरेट सोसाइटी है इसमें भी जो विमेन हैं वो अपने आप को अनप्रोटेक्टेड फील करती हैं अनरिकग्नाइज्ड फील करती हैं और इस तरह के केसेज़ में तो ख़ास तौर पर कोई उनकी सुनवाई नहीं होती कोई कुछ नहीं होता. So I truly appreciate this
क्राउड सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर आर विमेन, कि हमारी पाकिस्तान की औरतों को एक ऐसा मौका मिला है, उनको एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल मिला है कि जिसके अंदर वो अपनी शिकायत जो है और इतनी सीवियर किस्म की जो शिकायत है वो रजिस्टर करा सकती हैं। और इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और मेरा ये ख्याल है कि सेफ सिटी इसमें और ज़्यादा जो है इनोवेशन लेकर के आएगी और इसको और ज़्यादा बढ़ाएगी। थैंक यू सो मच मैम जी। मैम मुझे बताइएगा कि अभी जो आपने एक पूरा ब्रीफिंग सेशन जो है आपने लिया, आपने जाना कि कैसे जो है वो सेफ सिटी की जो जो ऐप है काम कर रही है, क्या सजेशंस हैं आपकी, क्या आप देखती हैं कि ये कितनी इफेक्टिव है? यस, इट वाज अ वेरी गुड सेशन, और हमारे लिए ये वुमेन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे डेली रूटीन में बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस होते हैं जिसमें हमें ये बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। हमारी फीमेल्स पूछ रही थी कि अभी क्वेश्चन किया था कि जी आप अगर फॉर एग्जांपल ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे कि इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो हम उसमें ये कर सकते हैं। मेरे जहन में आइडिया है दैट वेन एवर आई एम गोइंग टू ट्रैवल, बिकॉज मैं फ्रीक्वेंटली मूव करती हूँ, ड्राइव भी करती हूँ, तो मुझे नहीं पता चलता भाई इस वक्त मैं किस जगह पर हूँ या क्या कहाँ जा रही हूँ, और वहाँ अचानक से नेट वर्किंग हो जाए, और समटाइम हमारा डाटा भी इतना स्लो चल रहा होता है ना दैट वी कैन नॉट मतलब उसको कर नहीं रहे, मैप गूगल मैप के ऊपर बड़ा स्लो हो जाता है। तो मेरी सजेशन ये थी, मैं उन्हें बता रही थी, इनसे बात कर रही थी कि हम जिस वक्त ट्रैवल स्टार्ट करें एट दैट टाइम वी कैन क्लिक दैट आवर लोकेशन और चलें जहाँ तक जाएँ, कम अज़ कम एटलीस्ट वहाँ तक तो पता चल जाता, उसके बाद आगे जो है वो अगर नहीं भी होता तो फौरी तौर पर 15 पे कॉल कर लें। सो दिस इज़ माई सजेशन, और बाकी बहुत अच्छा था, दैट्स अ गुड एफर्ट एंड आई लाइक दैट, सो दैट थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। नाजीन अब हमारे साथ एक और लेक्चरर मौजूद हैं, ये उनसे जानते हैं कि वो इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीबा इफ्तिखार। कौन से डिपार्टमेंट से? मास कम्युनिकेशन। अच्छा अनीबा, आपने देखा होगा कि यहाँ पे सेशन आपने पूरा ज्वाइन किया लड़कियों को, खासतौर पर हर तरह की हर एज ग्रुप की खवातीन को सिक्योर बनाने के लिए, खासतौर पे वो लड़कियाँ जो घरों से बाहर जाती हैं रोज़ डेली बेसिस पे, उन्हें यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, जॉब के लिए जाना पड़ता है, कितना इनिशिएटिव है ये, इफेक्टिव कितना है ये इनिशिएटिव? मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि हमारे मुल्क की अगर हम साइको एंड डेमोग्राफिक्स देखें तो हमने देखा कि हमेशा पावरफुल तबका जो है उसके हाथ में अगर पावर है तो उनके बच्चे भी सिक्योर हैं, उनका फ्यूचर भी सिक्योर है। अब लाहौर कॉलेज फॉर वेमेन यूनिवर्सिटी में जो मेरा इंटरेक्शन है वो ज़्यादातर मिडिल क्लास लो मिडिल क्लास बच्चियों से हैं जो घरों से निकलती हैं और उनको प्रोफेशन के लिए जो है पढ़ना उनके लिए एक रिक्वायरमेंट है, वो उन बच्चों की आवाज़ जो है इस हवाले से कहीं नहीं पहुंचती है। तो मैं तो समझती हूँ कि ये एक ऐसी ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि आपके हाथ में जो मोबाइल है उसके अंदर आपकी सिक्योरिटी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ऐसे इकदाम होंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी किस्म की कोई परेशानी घर वालों को भी होगी या उन बच्चियों को होगी जो रोज़गार के लिए या तालीम हासिल करने के लिए बाहर निकलते हैं। कभी आपकी स्टूडेंट लाइफ में या अब भी आप वर्किंग लेडी हैं कोई ऐसा वाकया हुआ है कि आपको किसी ने हरास किया हो या कहीं इनसिक्योर आपने फील किया? बिल्कुल होता है ऐसा, इवन कि प्रोफेशन में भी ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि इनडायरेक्टली ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उसको हम उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज अब जब आप वर्किंग हैं तो सबको पता है कि आपके लोग आपको जानते हैं और अगर आप बात करेंगे तो लोग सुनेंगे। इनडायरेक्टली ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उमूमन ये स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ें आपके कॉमन होती है, बिकॉज पीपल नो कि आप वल्नरेबल हैं, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अब आप क्या सजेशन देना चाहेंगी वो लड़कियाँ जो कि चुप करके हरासमेंट का जो सामना कर लेती हैं लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि वो थोड़ा इज्जत से भी आ जाता है कि यार क्या कहेंगे लोग, क्या सोचेंगे, क्या उन्हें सजेशन करें? नहीं, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप इसको बिल्कुल यूज़ करें और मेक इट अ बैंड वैगन, बिकॉज हमारे यहाँ ये जो टैबूज़ है ना कि जी कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर एक से दो केसेस भी पहुँच जाते हैं जेन्युइन और उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह एक हम लोग नया ही ट्रेंड इस माशरे में जो है वो लेकर आएंगे और कोई हरासमेंट का इशू नहीं हो। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, जैसा कि आपने जाना कि वीमेन सेफ्टी ऐप का जो अज़म है कि ख़वातीन को चाहे वो घरेलू हो, वर्किंग हो, स्टूडेंट हो, जिस तरह की भी ख़वातीन हैं उन्हें हर तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, सिक्योर इन्वायरमेंट दिया जाए और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, तो अभी जाएं अपने प्ले स्टोर पे वीमेन सेफ्टी ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं तो आप उस ऐप के नीचे रिव्यूज़ में पूछ सकते हैं और आप हमें कोई सजेशन दे सकते हैं ताकि ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से इस ऐप को इस्तेमाल किया जाए और आपकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ ही साथ मुझे इजाज़त दीजिए, सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ, अल्लाह हाफिज़।